सो देर हैव बीन न्यूअर एडवांसेस. पहले मैं बात करूँगा कि हमारे ऑपरेशन थिएटर जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जिसमें होती हैं उसमें क्या एडवांसमेंट आई. तो जैसे कि किसी भी सर्जरी में जो एक कॉम्प्लिकेशन है जिससे सर्जन और पेशेंट दोनों डरते हैं, इनफैक्ट द सर्जन इज मोर स्केयर्ड देन द पेशेंट, इज इन्फेक्शन, खासकर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एम एस नरूला, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट एट अपोलो क्लिनिक्स एंड सिटी हॉस्पिटल सेक्रेटरीट चंडीगढ़. बिकॉज ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की अगर बात करें तो इन्फेक्शन आर वेरी ट्रबलसम, वेरी लिंगरिंग और जल्दी ठीक नहीं होती. इसीलिए हमारा एम्फेसिस यही रहता है कि जो हमारे ऑर्थोपेडिक ओटीज होते हैं जिसमें हम ऑपरेट करते हैं वो जितना भी स्टराइल हो, जितना क्लीन हो, उतना अच्छा है. हम स्टरिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और यही मैं आप लोगों को भी ज़रूर एडवाइस करूँगा कि जब भी आप कोई अपनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी प्लान करते हैं, मेक श्योर इट इज़ अ वेरी क्लीन ओटी, वेरी स्टराइल ओटी. और क्योंकि एक बार ऑर्थोपेडिक इन्फेक्शन हो जाए तो वो बहुत डिफ़िकल्ट से हैंडल होती है. तो इसीलिए हमारे जो अब ओटी टेक्निक्स आई हैं उसमें ओटी ऑपरेशन थिएटर लैमिनर फ्लोज हो गए हैं जिसमें डायरेक्शन होती है इस तरह की ताकि आपके जो इन्फेक्टेड एयर है वो ऑपरेशन थिएटर में ना आए. हमारे पास कुछ न्यूअर स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हैं और कुछ ऐसी ओटी के हमारी एंट्रेंसेस बन गई हैं जिससे कि हमारी ऑर्थोपेडिक ओटी बिल्कुल स्टराइल रहे ताकि इन्फेक्शन शुड बी एज लो एज पॉसिबल, प्रेफरेबली 0 to 1%. अगर इसके अंदर हम अपने ऑर्थोपेडिक इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं सो वी आर वेरी हैप्पी. तो ये तो हो गई जो ऑपरेशन थिएटर की टेक्निक्स. अब मैं बात करूँगा हमारी ऑपरेटिंग टेक्निक्स कैसी है. जो ऑपरेटिंग टेक्निक्स में फ़र्क आया है वो ये है कि अब वो जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं वो मिनिमल इन्वेसिव, अगर मिनिमल इन्वेसिव एक बहुत कॉमनली यूज वर्ड है तो उसका अगर मैं लेमैन में आपको समझाऊं तो छोटे चीरे के साथ, स्मॉल इंसिजन सर्जरीज. जैसे कि पहले कभी फ्रैक्चर होता था तो हमें पूरा चीरा देना पड़ता था, अब हम क्या करते हैं छोटा सा इंसिजन देके उस इम्प्लांट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. इसके लिए जो हमारे को एक इक्विपमेंट जो बहुत ही हेल्पफुल है वो है एक सीआम, एक हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक स्पेशल एक्सरे मशीन होती है जो एक तरह का अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल हम वो इम्प्लांट डाल सकते हैं. तो उसका एडवांटेज है कि हम साथ साथ एक्सरे देखते रहते हैं और साथ साथ वो इम्प्लांट डालते रहते हैं तो मिनिमल इन्वेसिव, छोटे इंसिजन से सर्जरी होती है, उससे क्विक रिकवरी. नेचुरली वो जितना छोटा इंसिजन होगा उतनी रिकवरी फास्टर होगी, उतना कॉस्मेटिक जो स्कार है वो बहुत छोटा होगा, ब्लडलेस होगा या बहुत मिनिमल ब्लड लॉस होगा एंड ऑफकोर्स पेनलेस होगा. सो ये एक एडवांटेजेस हैं मिनिमल इन्वेसिव. और जो न्यूअर हमारी एओ टेक्निक्स हैं ऑर्थोपेडिक की, उन सब का एम्फेसिस यही रहता है कि जहाँ तक हो सके हम उस ऑपरेशन को, हड्डियों के ऑपरेशन को क्लोज्ड वे, मतलब उसको ज़्यादा ना खोला जाए या बंद बंद में ही या फिर मिनिमल इन्वेसिव छोटे इंसिजन के साथ वो फ्रैक्चर्स को ट्रीट किया जाए. अब जो न्यूअर एडवांसेस आई हैं इन टर्म्स ऑफ जो इम्प्लांट्स हमारे पास, जैसे हम जो प्लेट्स या नेल्स या स्क्रूज से जिसे हम फिक्स करते हैं उसमें बहुत ही एडवांस्ड इम्प्लांट्स आ गए जिसने अगेन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज को बहुत इफेक्टिव, बहुत सेफ और बहुत क्विक कर दिया है फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर सर्जन. थोड़ी सी ज़रूर कुछ इम्प्लांट्स एक्सपेंसिव होते हैं बट देर हैव बीन अ ग्रेट बून टू ऑर्थोपेडिक सर्जन्स. सो पहले हम बात करें मेटलर्जी की, तो पहले जैसे स्टील के इम्प्लांट्स डलते थे अब आजकल टाइटेनियम के इम्प्लांट्स आ गए हैं. टाइटेनियम इम्प्लांट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी कंड्यूसिव फॉर फ्रैक्चर हीलिंग एंड उनमें इन्फेक्शन रेट भी लो होता है. सो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज में वेर एवर पेशेंट कैन अफोर्ड वी लाइक टू पुट टाइटेनियम इम्प्लांट्स. और जब इम्प्लांट्स की बात करते हैं तो इम्प्लांट्स की शेप और इम्प्लांट्स का स्ट्रक्चर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि आजकल हमारे पास प्री कंटूर्ड प्लेट, जैसे हर बोन के लिए एक पहले से बनी बनाई प्लेट्स है. अगर आप ध्यान दें तो जैसे हमारी ये कॉलर बोन है, ठीक है, तो पहले क्या होता था अगर हमने कॉलर बोन को या हम कहें शोल्डर की बोन को फिक्स करना है तो हम एक प्लेट लेते थे और उसको हम बेंड करते थे और फिर फिक्स करते थे. अब हमारे पास प्री कंटूर्ड जो पहले से ही बेंड है, अगर आप ध्यान दें तो ये कॉलर बोन की प्लेट है, ये शोल्डर की एक प्लेट है जो पहले से ही बेंड है, तो वो उसको हम बोन पे रखते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं. इसीलिए इसके साथ हमारी सर्जरी बहुत ही क्विक होती है और फ्रैक्चर हीलिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. प्लेट्स के डिज़ाइन में बात करें तो आजकल लॉकिंग प्लेट्स आ गए हैं. लॉकिंग प्लेट्स होता है जैसे कि जब बोन्स वीक होती हैं तो स्क्रूज निकलने का डर होता है, तो आजकल कुछ ऐसे स्क्रूज आ गए हैं जो प्लेट के अंदर लॉक हो जाते हैं जिससे जो बैकआउट होता है हमारे इम्प्लांट्स का कटआउट होता है कि इम्प्लांट्स निकल आते हैं पहले ही, हड्डी जुड़ने से पहले ही स्क्रू या नेल्स बाहर आ जाती हैं, वो नहीं होता. सो लॉकिंग प्लेट्स
एंड प्री कंटूर प्लेट्स हमारे ऑर्थोपेडिक एंड टाइटेनियम प्लेट्स, ये हमारे ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है जिसका हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और पेशेंट को उससे बहुत जल्दी हीलिंग और रिकवरी हो जाती है। और फिर अब हमारे पास आगे हैं कुछ बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज। आपने सुना होगा जैसे हम करते हैं ACL रिकन्स्ट्रक्शन या कुछ और सर्जरीज जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे इम्प्लांट डालते हैं जो अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। सो वो अंदर ही कुछ सालों कुछ महीनों के बाद दे डिसॉल्व और उनको निकालने की ज़रूरत नहीं। फिर ऐसे इम्प्लांट्स हैं जिनका जो प्रोफाइल है, जो जैसे पहले मोटी प्लेट्स होती थी और जब हम कोई स्किन के नीचे जहाँ पे मसल नहीं है जब वो प्लेट्स लगाते थे तो वो चुभते थे, अब वो प्लेट्स बहुत पतली हो गई हैं, लो प्रोफाइल प्लेट्स आ गई हैं जिससे जो इम्प्लांट के वजह से जो पेशेंट को दिक्कत होती, होता क्या था हड्डी तो जुड़ जाती थी पर पेशेंट कहता था जी मुझे ये स्क्रू या प्लेट डॉक्टर साहब चुभ रहा है और फिर हमें साल डेढ़ साल के बाद वो इम्प्लांट निकालना पड़ता। अब विद दिस न्यूअर इम्प्लांट्स हमें इम्प्लांट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस ऑफकोर्स फ्यू केसेस जहाँ पे इम्प्लांट तंग कर रहा हो। नॉर्मली एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन कर दिया अब ये प्लेट निकालने की ज़रूरत है और कब निकालना है। सो मैं अपने पेशेंट्स को बताना चाहूँगा कि अनलेस कोई इम्प्लांट तंग कर रहा हो आपको किसी कारण कोई तो उसको नहीं निकालते, फ्यू केसेस में कुछ इंडिकेशंस होती हैं उसको अंदर ही रहने देना चाहिए और वो कोई तंग नहीं करती, इनर्ट होता है। लोगों को ये भी शक है कि आफ्टरऑल मेटल है कोई रस्ट तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये दे बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड ऑफ कोर्स इन फ्यू केसेस वी रिकमेंड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज इम्प्लांट्स रिमेन इनसाइड, दे आर वेरी सेफ एंड दे डू नॉट डैमेज योर टिश्यूज़।